सामने मंच के पीछे जो लोग ऑफिस में इनको लेके आएंगे के कई प्रमुख हस्ताक्षर हमारे विद्यालय में आज हैं। युवा हस्ताक्षर श्री अजय निषाद जी आ जाएगा। मैं आग्रह कर रहा हूँ सबका अभिनंदन है, आग्रह है सामने बैठने की कृपा करें। निर्धारित समय हमारा 12:15 उद्घाटन का है और 12:15 हो गए हैं। ठीक है, जो सबकी चिंता करते हैं, तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी अपने समय समाज के देते हैं। भैया अजय निषाद जी से आग्रह है, डॉक्टर ममता रानी जी से आग्रह है, बेबी जी मेरी जी आए, एस किशोर जी, प्राचार्य एस किशोर जो दूसरी शाखा है विद्यालय की, वो एस किशोर जी हमारे अतिथियों को पहले चंदन करेंगे काफी और से बैच। वहां बैठ जाए सर, वहां बैठ जाए जी मैम को बैठे हमारे विद्यालय के ये दोनों छात्र काफी और हर्षिका। थोड़ी देर में हमारे बीच पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री सुरेश शर्मा जी पहुंचने वाले हैं। हमारे बीच थोड़ी देर में बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति श्री दिनेश चंद्र राय जी पहुंचने वाले हैं। हमारे बीच प्राचार्य एस कॉलेज श्री ओ पी राय पहुंचने वाले हैं, लेकिन निर्धारित समय 12:15 उद्घाटन का था जिससे 3 मिनट हम लोग विलंब हो चुके हैं।
चंदन और बैच के बाद सीधे उद्घाटन के लिए जी आ जाओ। मैं ताली बजे, ये कमजोर ताली थी, जोरदार ताली बजे। मातृशक्ति सांसद मैं पकड़ लिया अभी सर, अरे सर पकड़िए। हाँ, ये उद्घाटन के ऐतिहासिक क्षण और पुनः आग्रह है सब लोगों से। अच्छा एक बार फिर से, आज कोई थकान नहीं, आज केवल रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ जुड़ाव और वैसा जुड़ाव जहां कई मातृशक्ति आपके साथ अंगसंग होने वाली है। आग्रह पुनः आसन ग्रहण करने के लिए युवा को, एक युवा दूसरे युवा को पुष्प हार और ये दूसरा लिखे और ये शॉल से सम्मान मारो। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं आग्रह कर रहा हूं तालियां बजाइए, आपकी तालियां बजनी चाहिए। जी चिल्ड्रन पार्लर, अभी थोड़ी देर में मैं बताऊं, यहां कुर्सियों से दुगने लोग हो जाएंगे आधे एक घंटे के अंदर। शॉल उठाकर इनका सम्मान हो। शेष लोग हमारे जो विद्यालय व्यवस्था से जुड़े हैं वो बहुत सुंदर। अब मनीष जी बैठ जाए, इनकी भूमिका एक मातृशक्ति दूसरी मातृशक्ति का, और दोनों चेहरे पे मुस्कुराहट क्योंकि आज होली वसंत सबका मिश्रण है। मैं और अंग वस्त्र के साथ इनका अभिनंदन और सम्मान करें। अच्छा मैं छोड़ जाता हूं, मैं राम नरेश सर मंगलाचरण के लिए, राम नरेश जी मंगलाचरण के लिए मंच पे आ जाए। राम नरेश जी नहीं ले सकता क्योंकि अन्य लोग भी बोलने वाले हैं और कार्यक्रम के प्रारंभ होने में विलंब भी हो रहा है। तो एंड ऑल आवर वेल विशर्स, आई टेक ग्रेट प्लेजर इन वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ आवर एनुअल फंक्शन ऑफ द एज द स्प्रिंग फेस्ट। I feel really honored to present the annual report of CPPS School Muzaffarpur for the academic year 2024. First and foremost, I would like to thank God Almighty for all the blessing honored upon us. With all my affable greetings, I cordially welcome our honorable Director Mr. Manish Sir, you are a man with a
great vision as a pioneer of this institution. Your personal care, your personal love and concern have nursed this school to grow of its greater heights. We share the merit of its students. This coming year, our endeavor will be to continue to improve the quality of the school system and increase the standards in all aspects of areas of work and focus agenda for students and enrolling and engaging the parents community, putting more efforts and ignition the joy of learning. The upcoming spring, as it is written on the banner that it's a spring fest, two things that caught my attention is a family of learning and spring fest. Today we have on the dais my very dear sister, baby Kumari ji, Ganesh ji, with whom I walked for a long during my Sanskar Bharati tenure in the way of education, and that's why I better understand the mindset of the students as well as the guardian and teachers. This is student life, but also the life of a teacher is a continuous journey in the field of learning. It's a continuous process, and the moment you think that I know everything, this learning process is ceased, and then you need not learn anything. You should be a learner. One's life ends only when the learning process. माननीय विधायक जो अब बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री अभी कल ही बने हैं, ऐसे केदार प्रसाद गुप्ता जी का मैं इस पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से, अपनी ओर से, यहाँ मौजूद सभी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जो हमारा मंत्री का चेहरा केदार प्रसाद गुप्ता जी है, इन्हीं उम्मीदों के साथ आपका पुनः पुनः स्वागत अभिनंदन। चूंकि बीच में ये बात आ गई थी और मैं एज एन एकेडमिशियन बोल रही थी, लेकिन अब माहौल थोड़ा मंच का मिश्रित हो चला है, तो मैं सोचती हूँ कि जिसका भी अच्छाइयाँ चाहिए सबको, लेकिन अपने घर में नहीं, अपने घर में बस सिर्फ सफलता चाहिए। तो हम जैसे प्रतिमान गढ़ रहे हैं, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, तुम पढ़ते ही नहीं हो, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा इंजीनियर बने, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर बने, कुछ बच्चे म्यूजिशियन भी बनते हैं, कुछ बच्चे कलाकार भी बनते हैं, कुछ बच्चे, उनको अगर आप दीजिए रहते हो, तुम्हारी उम्र में राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो इतना परसेंट नंबर लाए थे, तुम्हारी उम्र में राजेंद्र प्रसाद जी ने ये क्रैक कर लिया था, या इतने तेज थे, इतने मेधावी थे। सुनते 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 बच्चा बोर हो गया। एक दिन जब पिताजी ने डांटा कि तुम्हारी उम्र में राजेंद्र प्रसाद जी ने इतना प्रतिशत अंक लाया था, तो बच्चा भी चिढ़कर बोला कि तो आपकी उम्र में तो वो भारत के राष्ट्रपति बन गए थे, तो आपने क्या किया। तो बच्चों को अच्छे के लिए प्रार्थना करें, उसमें सहयोग करें, ऐसी नौबत ना आने दें कि आपको किसी शिक्षक के पास जाके कहना पड़े। मेरे पास फोन आते हैं, क्या फोन आते हैं, हमर बेटी के सेंटर पर ले रंग लाए हैं, तो हम पूछते हैं कि तकी की विचार, चोरी करेंगी आई, मतलब चोरी करने दीजिए, किसी तरह से उसकी मदद कर दीजिए, ऐसे प्रस्ताव आते हैं। तो आप अपने बच्चे को ऐसा वैसा किया, इसलिए भी कहते हैं कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने बच्चों का हौसला बनिए, पंख तो वो खुद अपने टैलेंट से हासिल कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वक्ताओं की लंबी लड़ी है, और जब संचालक पीठ पर आके मंडराने लगे तो समझ जाइए आपका वक्त समाप्त हुआ चाहता है। बहुत बहुत पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, और ऐसे ही उड़ान भरने वाले युवकों को धन्य हुआ है। एक अच्छी ताली बजा दे आप, जोरदार ताली बजा दे आप।
ये सम्मान के क्षण, क्योंकि मंत्री जी को कई कार्यक्रम में जाना है। मैं आग्रह करता हूँ मनीष जी से कि सभी लोग को लेकर नीचे चले आप, जितने लोग हैं उनको लेकर नीचे। कुर्सी हटवाओ बेटा, कुर्सी हटवाओ मैं प्रसिद्ध मनीष जी, सब लोग को लेकर नीचे। सब ओके, ये देखिए बेबी जी अपना शॉल, ममता जी अपना शॉल, दरअसल जी ये सिर्फ शॉल नहीं है, ये बहनों की जिम्मेदारी है केदार गुप्ता जी के कंधों पर, जिनको लेके उनको चलना है। लीजिए मंत्री जी, बहन की जवाबदेही, और मंत्री जी भी कह रहे हैं कि बहन की जिम्मेदारी है जिसे पूर्ण रूप से निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आग्रह सभी लोग से नीचे आ जाए। ममता बहन दीदी नीचे नीचे, कुर्सी खाली करो, मंच पर से कुर्सी। नहीं शादी हुई है? नहीं हुई, इसलिए मंच नहीं ठीक कर लिया। आइए मैं आग्रह कर रहा हूं सब लोग से सामने बैठ जाए। हाईस्कूल का जो कार्यक्रम किया गया है, मंत्री जी आए हैं, मंत्री तो थे ही नहीं जिस समय कार्ड पर उनका नाम डाले थे, उस समय तो विधायक थे, लेकिन मंत्री हो गए आप, बहुत अच्छे हमारे मित्र भी है, गार्जियन भी कह सकते हैं, और एक साथ हम लोग बहुत दिन राजनीति भी किए हैं उनके साथ, आप हमारे प्रखंड के विधायक भी हैं, अभी फिलहाल मंत्री हो गए हैं, तो उनको तो आना ही था। बस ये तो आप तो देख रहे हैं कितनी उत्साह है, अभी हम 1/3 बच्चा अंदर में ड्रेसिंग रूम में है, माता की अब देख ही रहे, इधर उधर भी घूम रहा है। अच्छा ये बताइए, मुजफ्फरपुर में ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे स्कूल है, आपकी स्कूल बच्चों के सुनहरे भविष्य को कैसे दिखाते? मेरा स्कूल ये तो तय है, हम ये लक्ष्य लेकर चले हैं कि पहले हमारा विद्यालय लोग अखाड़ा घाट को बाद में जानेगा और चिल्ड्रंस पैराडाइज को पहले जानेगा, ये हमारा, और बीसी केरला मदर को पहले लोग जानेगा, ये हमारा वादा है। निश्चित रूप से अखाड़ा घाट को लोग बाद में जानेगा, पूरे जिला के लोग और चिल्ड्रंस पैराडाइज को पहले जानेगा, ये हम वादा करते हैं आप लोग से।
गरीब बच्चों के लिए आपके स्कूल कैसे काम करते हैं? बहुत फ्री है, आप बोले हैं गरीब बच्चों के लिए, तो गरीब बच्चों के लिए हम क्या बोले इसलिए, तो हमारे गार्जियन ही बोलेंगे, चाहे अगल बगल में जो लोग होंगे, जो हमारे पेरेंट्स होंगे, उन्हीं को पता होगा। ये जो विद्यालय है यहाँ डायरेक्टर से मिलने के लिए शायद किन्हीं लोगों को, चाहे 12 बजे रात में भी अगर फोन आता हो, एक दिन में फोन उठाते हैं और मदद तो आर्थिक भी करते हैं, जिनको आर्थिक रूप से जरूरी है मदद की उनको आर्थिक रूप से मदद करते हैं, जिनको शारीरिक जरूरत है शारीरिक भी मदद करते हैं। क्या मैसेज रहेगा लास्ट? बस हम तो सम्मानित अभिभावक को भी मैसेज कर सकते हैं, और कोई हमारा एक ही मैसेज है, जिनका बच्चा हमारे यहाँ है, वो एक एक बच्चा इस सेशन में जोड़ दिए, बस यही मैसेज है, यही संदेश है हमारे अभिभावकों के लिए। हमारा नाम मनीष कुमार हुआ, यहाँ के हम डायरेक्टर हैं, दोनों विद्यालय हमारा ही है, दोनों विद्यालय के डायरेक्टर हम ही हैं। विद्यालयों की सूची बनाएंगे जहाँ शिक्षा के साथ संस्कार भी है, और जिसका स्लोगन भी है कि आओ पढ़े नहीं, पढ़ने के रचनात्मक तरीकों को अपनाएं, हम खुद पढ़ लेंगे। ये विद्यालय चलने पैराडाइज है, और यहाँ दिख रहे 10,000 लोग आज यहाँ हैं, यहाँ 7,000 कुर्सियां लगी हैं, और ये भीड़ रविवार अगर अपना दिए हैं तो आप समझ सकते हैं कि विद्यालय कितना विशेष है, खास है, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये अखाड़ा घाट, ये शेरपुर भारत के मानचित्र पर केवल 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 चिल्ड्रन पैराडाइज के लिए जाना जाएगा और प्रमुखता से देखा जाएगा। धन्यवाद। आइए रचना के लिए ये विद्यालय के छात्र तैयार हैं, और इसके बाद हम अपने सम्मानित सज धज के लागे सज।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा।